मैं डॉक्टर धीरज देसाई हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ ओबीसी विभाग कांग्रेस में, इंचार्ज हूँ जम्मू कश्मीर का। आप सब लोगों का धन्यवाद पहले तो सब पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पर। आज मदन लाल चल्होत्रा जी को हमने कार्यवाहक चेयरमैन बनाया है ओबीसी डिपार्टमेंट का, तो ये अच्छा काम करेंगे, बड़े निष्ठा से करेंगे, पुराने व्यक्ति हैं पार्टी में और अच्छे से काम करेंगे, मुझे इनसे पूरी उम्मीद रहेगी। तो जैसे लद्दाख में किया है सेंट्रल ने कि सिर्फ असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे, वहाँ सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, तो आगे अगर इनकी सरकार रिपीट होती है तो ये जो हमें सुनने में है जम्मू और कश्मीर में भी ये सिर्फ असेंबली बंद कर देंगे, असेंबली इलेक्शन सिर्फ लोकसभा इलेक्शन होंगे। कांग्रेस तो इलेक्शन के लिए तैयार है मगर सेंटर तो इलेक्शन नहीं करा रहा ना। लद्दाख में आपको पता ही है वहाँ दो लोकसभा हैं, सिर्फ लोकसभा इलेक्शन होंगे, असेंबली वहाँ बंद कर दिए, और ऐसे जम्मू कश्मीर में ये लोग करना चाह रहे हैं। इंचार्ज में ओबीसी को मजबूत करेंगे, हम ओबीसी के लिए काम करेंगे, जो भी ओबीसी का तबका है उसके लिए हम काम करेंगे आगे से आगे बढ़ के।